किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बस्तर राइजिंग फार्मर में। और ये अपना मक्का है, मक्का का खेत, ये लगभग 65 दिन की हो गई है। और देखिए हमें यहाँ दो दो तीन तीन आया है मक्का, इसमें देखिए दो दो तीन तीन इस तरह हुआ है। यहाँ दवाई छूट गया था और ये घास मरता भी नहीं है, देख रहे हैं घास है। आपको दिखाता हूँ अपना, बहुत ही शानदार है इस बार का मक्का। देखिए तीन तीन भी है लेकिन दो मक्का में ही अच्छे से आता है, इसमें भी तीन है, ये दो दो। और इधर देखिए जिसका तना ज़्यादा है उसमें तीन तीन आया है लेकिन दो मक्का ही भरपूर आता है। ये देखिए हम लोग इसमें फूल आने के पहले, जो ऊपर का जो मंजरी है ना, नर मंजरी बोलते हैं जिसको, आने के पहले इसमें हम लोग 13-0-45 का छिड़काव किया था पर एकड़ 1 किलो 100 लीटर पानी में। क्योंकि जैसे धान में 1 किलो करते हैं, मतलब पर एकड़ 2 किलो का यूज किया था हमने। मक्का देख सकते हैं हरा भरा, और इसके पत्ते देखिए अभी तक पूरा ही हरा भरा है मस्त। ये देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम लोगों ने यहाँ जैसे स्प्रे, जब मक्का के जब बढ़ जाता है तो खाद देने में और स्प्रे करने में बहुत ही तकलीफ होता है, इसलिए देखिए ये एक अपना है, यहाँ हमने गैप छोड़ा था ताकि स्प्रे करने हो जाए करके। और यहाँ से जैसे ही हम 20 फीट दूरी पर यहाँ पर हमने फिर से एक गैप छोड़ा है पावर स्प्रेयर से, एक बार में एक तरफ हो जाता है। और देखिए मक्का लो, मक्के की उसके तने से पहचान होती है उसकी कैसी है। देखिए ये तना देखिए मस्त है, मोटा मोटा, जो जितना तना मोटा होगा उतना ही मक्का भी बड़ा होगा। दो दो तीन तीन, पता नहीं इस साल तीन तीन आया है। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ, हमने यहाँ पे एक 240 का इस्तेमाल किया था धान में, दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे घास घास का भी हालत ख़राब है लेकिन धान धान एकदम हरा हो गया है, बाकी जगह इसका नहीं है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे 240 का इस्तेमाल किए थे वो वाला एकदम हरा है। तो चलते हैं तो मक्का की ओर, ये देखिए इस बार शानदार उत्पादन होने की उम्मीद है। यहाँ हम लोग खाद के बारे में बताऊँ तो पर एकड़ 1 किलो DAP और 1 किलो SSP, सॉरी 1 बैग DAP, 1 बैग SSP और 5 किलो जिंक सल्फेट, और इसमें हमने इस बार 25 किलो मैग्नीशियम सल्फेट भी डाला था पर एकड़। देख रहे हैं सभी दो दो का निकला है मस्त। साइज भी देखिए, ये है हाईटेक की 52-03 और इसका तना बढ़िया है, देख सकते हैं। और घास के लिए तो हमने वही लाउडिस का यूज किया था, और प्री इमरजेंसी के रूप में हमने इसमें एट्राजिन लगाया था, मतलब मक्का लगाने के 2-3 दिन बाद। और इसमें हमने पहला यूरिया दिया था 30 दिन में, जिसमें हमने वही मैग्नीशियम सल्फेट 25 किलो और पर एकड़ 1 बोरा यूरिया के साथ उसमें 5 किलो जिंक सल्फेट मिला के दिए थे। और दूसरा यूरिया मतलब हमने 45 दिन में दिया था, जिसमें यूरिया 1 बैग और पोटास दिए थे लगभग 15 एकड़, क्योंकि हमने रोपाई समय भी पोटास दिए हुए थे इसलिए। और आप देख सकते हैं मक्का शानदार बड़े बड़े हुए हैं। देखिए इसके तना, देखिए
जितना बड़ा तना और पौधे हरापन, उसका मक्का उतना ही बहुत ही बड़ा होता है। और ये बगल वाला खेत देखिए, इसमें जो घास है ये पता नहीं कहीं कहीं इसको बरू घास बोलते हैं या अपने तरफ तो इसको गन्ना पत्ता वाला घास बोलते हैं, इतना बड़ा हो जाता है। ये लाउडी से भी मरता नहीं है, इसको उखाड़ना ही सही रहता है। हमने भी उखाड़ा है देखिए कहीं कहीं, ये देखिए मक्का देखिए, लगभग सभी में दो दो मक्का आए हुए हैं, दोनों बड़े बड़े हैं। हमने इसमें दो बार स्प्रे किया था, एक बार 28-28 का, और एक बार 13-0-45। और हर स्प्रे में हमने हमेशा जिंक सल्फेट चिलेटेड वाला और सागरिका हमेशा ही यूज करना चाहिए। ये अपना जो लाइन है देखिए, ये अपने मक्के खेत है, और देखिए साफ सुथरा नीचे कितना साफ सुथरा है मस्त। ये मुर्मी जमीन है, अपने तरफ मुर्मी जमीन होता है जहाँ। और इस बार मेरा मक्के में हर साल 25 क्विंटल पर एकड़ रहता है उत्पादन, लेकिन इस साल ज़्यादा उत्पादन की उम्मीद है, देखते हैं। मक्के का साइज